पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के भाव में नरमी देखी जा रही है। क्रूड की कीमत 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के नीचे चला गया है। वहीं WTI क्रूड की कीमत $78 के नीचे आ गई है। MCX पर क्रूड ऑयल 5756 रुपए प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। MCX पर नवंबर में ही क्रूड का भाव 400 रुपए प्रति बैरल कम हुआ है। 1 नवंबर को MCX पर एक बैरल क्रूड की कीमत 6200 रुपए थी। क्रूड की कीमतों में नरमी की बड़ी वजह क्रूड के उत्पादन में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। हाल ही में ओपेक देशों ने क्रूड का प्रोडक्शन हर दिन 4 लाख बैरल बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके तहत दिसंबर में 20 लाख बैरल प्रोडक्शन रोजाना आधार पर ज्यादा होगा। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में क्रूड का भाव $75 के नीचे जा सकता है। क्रूड में हमने पिछले एक हफ्ते में करीबन मोर देन 7% से ज़्यादा की गिरावट आते हुए देखी है। हमने देखा है कि US की तरफ से और चाइना की तरफ से और बाकी एशियन कंट्रीज़ की तरफ से क्रूड रिजर्व में से सप्लाई को बढ़ाने की बात की गई है, और हमने देखा है उसकी वजह से क्रूड के भावों में नरमी का माहौल आते हुए दिखाई दिया है। हालांकि जो डिमांड है वो हम मान के चल रहे हैं कि प्री कोविड लेवल के स्तर पर जा सकती है, मगर उसके बावजूद भी अगर देखें तो जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते क्रूड की जो इन्वेंट्री आई थी वहाँ पर हमने बढ़त बनती हुई देखी थी, और इवन अगर हम बात करें क्रूड के जो प्रोडक्शन है वहाँ पर हमने देखा है कि जो ऑयल रिग्स काउंट है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्रूड के अंदर अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाईज बढ़ी हैं उससे हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। क्रूड की कीमतों में नरमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की उम्मीद है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए नहीं है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपए है, जबकि डीजल की कीमत 86.67 रुपए है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 109.98 रुपए में बिक रहा है, तो वहीं डीजल 94.14 रुपए में बिक रहा है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.28 रुपए है, जबकि डीजल का भाव 86.80 रुपए है। पटना में पेट्रोल 105.90 रुपए और डीजल 91.09 रुपए में बिक रहा है। पुणे में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 109.52 रुपए है, जबकि डीजल की कीमत 92.31 रुपए है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 104.67 रुपए है, जबकि डीजल 89.79 रुपए में बिक रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसके बाद राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया था। इससे भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई थी। अब क्रूड के भाव में नरमी से पेट्रोल और डीजल और सस्ता होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि क्रूड सस्ता होने से पेट्रोल और डीजल के दाम 2 से 3 रुपए प्रति लीटर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो सस्ते क्रूड का फायदा नहीं मिलेगा। कच्चे तेल का भाव 4 कारणों पर निर्भर करता है। कच्चे तेल की कीमत रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, एक्साइज ड्यूटी और बैट, देश में फ्यूल डिमांड। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है, 1 बैरल यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का सीधा फायदा आम आदमी को पहुंचेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। सस्ते तेल की वजह से आना जाना, माल ढुलाई, फल सब्जी सब कुछ सस्ता हो जाता है। यानी सस्ता कच्चा तेल आम आदमी की जेब भरेगा और महंगाई को काबू करने में सरकार की मदद भी करेगा।